बुजुर्ग और भिक्षुक लोगों के पुनर्वास के लिए अब इंदौर जिला प्रशासन और इंदौर नगर निगम एक बेहतर प्लान तैयार करने जा रहा है। उसी को लेकर आज इंदौर जिला कलेक्टर ने बैठक ली थी और उसमें तमाम वो चीज़ें यहाँ पर लोगों के सामने और अधिकारियों के सामने रखी है, जिससे उनका अच्छे से पुनर्वास हो सके, उनकी देखरेख हो सके। और जितने भी इंदौर के सामाजिक संगठन हैं और जितने एनजीओ हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया था और उनसे यहाँ पर इंदौर में जितने भी भिक्षुक हैं, जितने असहाय और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी एक लिस्ट मांगी गई, उनका सर्वे मांगा गया है, ताकि उनको वहाँ से ले जाकर कहीं बेहतर जगह पर उनका पुनर्वास किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके और उनकी देखरेख हो सके। उसी को लेकर इंदौर जिला प्रशासन के जो कलेक्टर हैं मनीष सिंह, उन्होंने यहाँ पर आज बैठक ली और बैठक में यह तय किया कि जितने भी इंदौर के 85 वार्ड हैं, उन पूरे वार्डों में सर्वे किया जाएगा और पूरे वार्ड के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है, जिनको अपने परिजन जो है बोझ समझकर छोड़ के जा चुके हैं, उनका पुनर्वास करने के लिए अब जो योजना तैयार की गई है और एक बेहतर जगह उनको तलाश है, ऐसे बेहतर जगहों की जहां पर तकरीबन 200 से 250 बुज़ुर्ग और जो निसहाय लोग हैं उनको रखा जा सके, उनका इलाज किया जा सके और उनकी देखरेख अच्छे से हो सके। वो जब बैठक शुरू हुई, उस बैठक में एक पॉइंट ये भी आया कि जिस प्रकार से ये जो अलग अलग जगह पर भिक्षा मांगने वाले जो लोग हैं, उन पर भी अब नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें जो भिक्षा मांगने वाले जो बच्चे हैं वो नशे के आदि भी हैं और वो कई ऐसी वारदातों को भी अंजाम देते हैं जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।